So friends, ini dia. Ini dia, ya hoga. से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं संगरी और मछली के साथ बनाने वाली हूँ और वही रेसिपी मैं आप लोग के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। वैसे दोस्तों बनाना सबको भी आता है, लेकिन मैं अपनी तरीके से और सिंपल तरीके से बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग देखते रहिए मैं कैसे बनाऊंगी। और दोस्तों अगर कोई किसी ने मेरी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। चंगेरी बहुत सारा है, चंगेरी तोड़ो इसको, जिसका तोड़ो। ये देखिए संगेरी, हम इसको मछली के साथ बनाएंगे। ऐसे भी बना सकता है बिना मछली के भी, लेकिन हम मछली के साथ बनाएंगे। देखिए दोस्तों, नाना मुनी तोड़ने गया था, फोटो तो ला लेकिन नहीं मिला, लेकिन हमने सांगरी तोड़ लिया। हाय, ये गाथा लगा कर दिया, बल गिर जाएगा। हाँ, तेरे मुंह तो सच में गिर जाएगा। तो हमने तोड़ लिया तेरा मुनी। सो फ्रेंड्स ये देखिए संगरी तोड़ लिया। हाँ, कंप्लीट हो गई। अभी हम चटनी बनाएंगे, मछली के साथ बनाऊंगी, इसमें आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। सो फ्रेंड्स देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों सांगरी लाया, यही पे बैठेंगे। अब अच्छी तरह से धो लेंगे इसको। देखिए ना बड़ा बड़ा, ये देखिए ये छोटा है लेकिन ये बड़ा है थोड़ा। ये थोड़ा बड़ा है और ये भी बड़ा है। दोस्तों ये देखिए मछली को अच्छी तरह से मैंने धो लिया है। सो इसमें हम थोड़ा सा नमक मिक्स करेंगे, हल्दी मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करके रख देंगे। मछली तो ऑलरेडी हो गया है, देखिए लहसुन लिया है इसको हम थोड़ा, हो गया ज्यादा नहीं पेस्ट बनाना है, बस थोड़ा सा पेस्ट बनाना है इसको। अब हम चंगेरी को काट लेंगे अच्छी तरह से, मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। देखिए अब इसको हम छोटा छोटा काटेंगे। हो गया, चंगेरी को काट लिया है, धनिया है और ये आलू, इसको बाद में काटेंगे, अभी ऐसे ही रख देते हैं। अभी हम मछली को फ्राई करेंगे। ये जलता ही नहीं, मासी से ही जलता है। सरसों का तेल, ये जब तक फ्राई हो जाए
तब तक मैं आलू को बॉईल कर लूंगी तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे। पानी ज्यादा नहीं डालेंगे। हो गया। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे तो जल्दी पक जाएगा। तो मैंने बंद कर लिया है। सो ये देखिए आलू को बॉईल करेंगे। इस तरह मछली को बिठा दिया है। ये देखिए मछली फ्राई हो रहा है। ये लहसुन मिर्ची और ये प्याज धनिया और ये है सांगरी। बस ये देखिए ये हो गया है। हाफ फ्राई करेंगे, ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे हम। बस ये हो गया है। अभी हम इसको निकालते हैं। हाफ फ्राई किया है मैंने, ज्यादा फ्राई नहीं करना इसको। बस हो गया है। अब आलू भी हो गया है। ये देखिए आलू बॉईल हो गया है हमारा। करने से जल्दी हो जाता है, बिना बॉईल किए भी हो जाता है, लेकिन हमको थोड़ा जल्दी बनाना है इसलिए हमने बॉईल कर लिया है। हम ज्यादा तेल नहीं डालेंगे। देखिए इसमें मछली फ्राई किया है तो तेल ऑलरेडी है इसमें, अब तेल की जरूरत नहीं है। प्याज डालेंगे। अभी हम इसमें आलू डालेंगे। नमक पहले भी दिया था इसलिए हम बस थोड़ा सा डालेंगे। और अब डालेंगे हल्दी। अभी हम सांगरी को भी डाल देंगे। डालेंगे देखिए लहसुन का पेस्ट भी हम डालेंगे। अब थोड़ा ढक देंगे। अब देखते हैं कैसा हुआ है। देखिए इसका खुशबू बहुत टेस्टी होगा। ये देखिए आलू बॉईल किया हुआ पानी है। देखिए हम इसी को ही यूज करेंगे, नहीं फेंक देंगे। सो अभी देखते हैं। ये देखिए वाओ इसका खुशबू इतनी अच्छी तरह से। मैं बॉईल किया था इसी पानी को ही हम डाल देंगे। पानी कम हो गया है, हम और डालेंगे। अभी हम ढक देंगे। और ये ब्रोकोली इसको हम बॉईल करेंगे। तो देखती रहिए इसको मैं क्या बनाऊंगी। देखिए हो गया। अभी हम इसमें मछली डालेंगे। ये देखिए मछली हम इसमें ऐड करेंगे। अब फिर से ढक देंगे। देखो हो गया। अभी है धनिया। यह बिल्कुल रेडी हो चुका है, अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए सिंपल तरीके से बनाया है। मसाला भी यूज नहीं किया है, बस लहसुन दिया है और मिर्ची भी सिर्फ 3 ही दिया है। अब ये हो गया है।
ये है ब्रोकली, इसको बॉईल करेंगे। दोस्तों ये देखिए पानी दे दिया और हम इसको बॉईल करेंगे। हम सिर्फ नमक डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे। अब उबालने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों देखते हैं, वाओ ये देखिए ये उबल चुका है, बस होने वाला है। अब फिर से थोड़ा सा भर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए अब ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए सांगेरी और मछली और साथ में आलू भी है और ये ब्रोकली बॉयल, सिर्फ नमक देके बॉयल किया है, और ये अंडा बॉयल खाना। बस हम अभी खा लेते हैं। अब मैं ट्राई करती हूँ कैसा हुआ है इसका टेस्ट। बहुत टेस्टी हुआ है। बहुत टेस्टी हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। वाकई बहुत टेस्टी। और ये ब्रोकली बॉयल।